ये सेशन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले सब लोग बैठ के चिट चैट कर रहे थे, तो सर ने उस समय क्वेश्चन राइज किया कि हम लोगों ने एच आई डी की पढ़ी है, मतलब तुम लोगों ने एच आई डी की पढ़ी है, पी डी पी के स्टूडेंट्स हो, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब ये सब चिट चैट जो भी बातें वगैरह, कोई मोबाइल वगैरह और कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर खड़े होकर मैंने उस समय जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे कि और चीज़ें होती हैं, मतलब आदमी शादी करता है, ठीक है, परिवार बनाता है, परिवार के साथ रहता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में कर रहा है, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ होती है। सर फिर कुछ तालियां बजी, तो फिर उसके बाद जब तालियां बजी तो सर ने कहा कि ऐसे कुछ लोग नेता बन जाते हैं इन चीप बातों को करके, और आप लोग तालियां बजाते हैं इन पे। तो सर मेरे एक सवाल से यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज हो गए, दो सवालों को जन्म दे रहे हैं मेरे क्वेश्चन जो है। इसमें पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वही वाला कि हम एच आई डी पी वगैरह पी डी पी वगैरह की क्लासेस करने के बाद भी ये सब क्यों कर रहे थे या क्यों करते हैं, ठीक है, क्या ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा सर कि जो मैंने बात कही कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो सर उसको मद्देनजर रखते हुए इसे चीप कैसे कहा जा रहा है, चीपनेस की परिभाषा क्या होगी सर इससे, जस्ट यही जानना चाहता हूँ। अच्छा है, इट्स अ गुड वे टू बिगिन द सेशन, बट दो मुद्दे, पहला कि इतनी एच आई डी पी कर लो या कुछ भी कर लो उसके बाद भी ये सब होता क्यों है, दूसरा कि क्या ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर है तो इसको बुरा ठहराने का कोई औचित्य हुआ क्या, समझते हैं। मेरा नाम भूल गया मैं तुम्हारा, आई एम सो सॉरी, हाँ नवीन, बेटर। ये नवीन इसी कमरे में एसी चल रहे हैं, है ना, एसी चल रहे हैं, ये इनके हाथ में चाय है, ये चाय आई 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 और ये मेरे सामने रख दी गई, इस चाय में पानी है, पानी थोड़ी देर पहले गर्म किया गया होगा, पानी थोड़ी देर पहले गर्म किया गया होगा, पानी ने फैसला करा था कि 100 डिग्री हो जाएगी तभी भाप बनूंगा, ये जो आई है ये निश्चित रूप से खौला करके बॉयल करने के बाद ही मेरे सामने लाई है, उम्मीद करता हूँ। इस पानी ने नवीन फैसला करा था कि 100 डिग्री हो जाएगा तो ही भाप बनूंगा, ये एसी है इसने फैसला किया चलने का, ये पंखा है अभी इसके स्विच थोड़ी देर पहले बंद कर दिए गए थे जब तुमने वीडियो देखा था, जब तुमने स्विच बंद करा तो उस पंखे ने फैसला करा था बंद हो जाऊंगा, अभी यहाँ से और भी स्विच हैं वो दबा दिए जाएं तो ये लाइटें बंद हो जानी है, ये फैसला करेंगी कि हम बंद हो जाएं, नहीं ये पानी फैसला कर रहा है, ये शक्कर रखी हुई है, ये शक्कर अभी इस चाय में मिलाई जाएगी, ये शक्कर फैसला करती है, शक्कर ना फैसला करती है ना ये कहती है कि ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ, शक्कर भी हमसे ज़्यादा समझदार है, पानी भी हमसे ज़्यादा समझदार है, पानी जानता है कि इसमें मेरा कुछ है नहीं, ये भाप बनने का फैसला मेरा कहाँ है, ये तो मेरी मॉलिक्यूलर प्रोग्रामिंग है, मेरा जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है कि 100 डिग्री पर ही मुझे बनना है भाप, मैं हूँ ही ऐसा, और उसमें मेरापन बिल्कुल नहीं है, मेरापन तब हो जब किसी दिन पानी ये भी फैसला करे कि आज 90 डिग्री पर ही भाप बन जाऊंगा, हाँ होता है, तुम कहोगे प्रेशर कम हो तो ऐसा हो सकता है, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जितना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतने पर ही अगर किसी दिन पानी ये फैसला कर ले कि आज 90 डिग्री पर ही भाप बन जाना है या आज 120 हो जाए तो भी भाप नहीं बनूंगा, तो मैं मानूँ
कि ये पानी का अपना निर्णय है। पानी का अपना निर्णय तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जब अपना होता है तो निर्णय दोनों तरफ किया जा सकता है, करने का भी और ना करने का भी। निर्णय तो तभी हुआ ना जब दोनों विकल्प सामने हो। अगर एक ही विकल्प सामने है तो कोई निर्णय हुआ ही नहीं। तुम यहां बैठ जाते हो, तुम्हारे पास क्या वाकई विकल्प रहता है कि गॉसिप ना करो? तुम थ्योरेटिकली तो कह दोगे हाँ सर ये विकल्प भी रहता है कि हम 10 लोगों के बीच बैठे हैं पर व्यर्थ चर्चा ना करें। पर अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि तुम 10 लोगों के बीच बैठो और तुम्हें आधे घंटे का समय दे दिया जाए और तुम शांत मौन स्थिर बने रहे आओ? 10 तुम लोग बैठे नहीं कि चर्चा होना लाजिमी है, अब होके रहेगी, और तुम आपस में ये चर्चा तो करते नहीं कि बताओ सीरिया में क्या होने वाला है, कि बताओ आज कौन कौन सी बातें हैं जो निकल करके आएंगी। जो चर्चा होती है वो होती है, वो मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो, और वो पक्का है कि होके रहेगी। उसमें न तुम्हारे हाथ में कुछ है न तुम्हारे पड़ोसी के हाथ में कुछ है। ठीक वैसे ही जैसे शक्कर पानी में डाला तो घुल के रहेगी, शक्कर के पास कोई विकल्प नहीं है कि डाल भी दो तो भी आज मेरी मर्जी है मैं नहीं घुलूंगी, और पानी के पास कोई विकल्प नहीं है कि ये शक्कर जो है मुझे कुछ जंच नहीं रही, आज इसके साथ मिलूंगा नहीं। कोई विकल्प नहीं तो कोई निर्णय भी नहीं, जहां विकल्प नहीं हुआ निर्णय कैसा? क्या पानी ये कहे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ? क्या शक्कर ये कहे दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ? नहीं, वो इतने ना समझ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम पूरे तरीके से प्री प्रोग्राम्ड आचरण कर रहे हैं तब हम लिविंग ही नहीं है, अतः लाइफ का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हमें होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बस हमारी कंडीशन के कारण बेहोशी में हो रहा है, तो उस समय हम जिंदा हैं कहाँ? जिंदा तो वो जिसका आचरण उसकी समझ से निकलता हो। मैं जब कुछ जान के कह रहा हूँ तब मैं जिंदा हूँ ना। अभी तुमने थोड़ी देर पहले इस लैपटॉप से आती हुई भी आवाज़ सुनो, ये जो लैपटॉप से आती हुई आवाज़ थी उस आवाज़ को क्या ये कहने का हक है दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई लाइफ? आवाज़ वही थी, कुछ साउंड वेव्स थी जो तुम्हारे कान के पर्दों पर पड़ रही थी, और ठीक अभी भी कुछ साउंड वेव्स हैं तुम्हारे कान के पर्दों पर पड़ रही हैं। पर अब मैं कह सकता हूँ दैट व्हाट आई एम सेइंग इज लिविंग, इट्स लाइवली, क्योंकि वो मेरी समझ से आ रहा है। लैपटॉप जो कुछ भी कर रहा था वो उसकी समझ से नहीं आ रहा था, वो उसकी प्रोग्रामिंग से आ रहा था। तुम मुझे इतना सा बता दो कि तुम जब गॉसिप करते हो तो वो अपनी समझ से करते हो, अपनी इंटेलिजेंस से करते हो, अपने होश से करते हो, या तुम्हारी प्रोग्रामिंग ही है गॉसिप करने की? ठीक ठीक बताना, ईमानदारी से देखो, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग नहीं है तो तुम्हारे पास ये विकल्प होना चाहिए कि आओ दोस्तों आज 10 लोग बैठेंगे और आज मौन बैठेंगे, उसमें भी बड़ा आनंद है, बड़ा मज़ा है। वो विकल्प तुम्हारे पास है भी क्या? अगर वो विकल्प ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारी ये जो पूरी गॉसिप है ये सिर्फ तुम्हारे यांत्रिक होने का सबूत है। तुम जिंदा ही नहीं हो जब तुम गॉसिप कर रहे हो, लाइफ का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने कहा पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ है कहाँ? वो वैसी ही लाइफ है जैसी इस कैमरे की, जैसी इस शक्कर की, जैसी इस चाय की, पंखे की या एसी की। इन्हें क्या हक है ये कहने का कि हम जिंदा हैं? इस लैपटॉप को क्या हक है ये कहने का हम जिंदा हैं? जिंदा तो वो जिसके पास होश हो। जिंदा तुम तभी जब होश में हो, जहां होश नहीं वहां जिंदगी कैसी? जहां होश नहीं वहां जिंदगी कैसी? हमारे साथ नवीन त्रासदी ये हो जाती है कि हम पूरी क्षमता रखते हैं जिंदगी होश में बिताने की, उसके बाद भी बेहोश रहते हैं। कोई पंखा ऑटोमेटिक तरीके से चलता है तो इसमें कोई ट्रेजेडी नहीं हो गई। आज तक तुमने किसी को रोते नहीं सुना होगा कि ये पंखा जो है बड़ा बेहोश रहता है,
हमने बटन दबा दिया तो चल पड़ा, हमने बटन दबा दिया तो बंद हो गया, हमने स्पीड कम कर दी तो आरपीएम बढ़ गया, और हमने रेगुलेटर घुमा दिया तो कम हो गया। तुमने किसी को रोते नहीं सुना होगा। किसी बुद्ध ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पंखों को होश में लाऊंगा, ठीक है। किसी भी ज्ञानी ने, किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पानी की चेतना जागृत करूंगा और उसे कहूंगा कि जीवन अपने इशारों पर जी, अरे तू क्यों 100 का गुलाम है, चल करते हैं क्रांति। ये 100 जो है बड़ा बंधन है कि 100 हुआ नहीं और तुझे भाव बन जाना है, अरे क्यों बन जाना है, आप क्रांति करेंगे 98, 99 और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, अचानक ही भाव बन जाएंगे, मूड हुआ तो कर भी। इनका मशीनी रहना कोई दुर्घटना नहीं है, उसमें अफसोस की कोई बात ही नहीं है। पर नवीन अगर तुम बेहोश हो तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि तुम में होश की पूरी पूरी काबिलियत मौजूद है, इसमें काबिलियत ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी करें हमें प्रभावित होने की, बुरा मानने की कोई बात नहीं। पर बेटा जब तुम गैर होशमंद तरीकों से जीते हो तो तुम्हारे टीचर को बुरा लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारी पोटेंशियलिटी बहुत बड़ी है। उसको पता है कि नवीन वही सर्कल भर हो ये ज़रूरी नहीं है, नवीन एक बहुत बड़ा विशाल स्फीयर भी हो सकता है। तो तुम्हारे गुरु को इसमें अगर बुरा लग रहा है, उसे अफसोस हो रहा है, तो इसे उसका कंपैशन समझो, गुस्सा नहीं, करुणा है, क्रोध नहीं, समझ रहे हो ना बात को। देखो हम अक्सर ये दावा कर देते हैं मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, इट्स माय लाइफ, बिना ये जाने कि मेरी जिंदगी इसमें है कहां पर। मैं तो सब कुछ वही कर रहा हूं जो मेरी कंडीशनिंग का हिस्सा है, इसमें मैं हूं कहां पर। और जिस दिन यकीन मानो तुम अपनी समझ से कुछ भी करोगे या बोलोगे वो सुंदर होगा, उस दिन पहली बात तुम्हें कोई टीचर टोकेगा नहीं, दूसरी बात उस दिन तुम किसी टीचर के स्टूडेंट नहीं, हर टीचर के दोस्त बन जाओगे। उस दिन तुम्हारे सामने गुरु नहीं खड़ा होगा, दोस्त खड़ा होगा और तुम्हें गले लगा लेगा। टीचर के लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जब स्टूडेंट स्टूडेंट रह ही नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास बंकर के क्लास से भाग जाता है, बात समझ रहे हो ना, जब स्टूडेंट स्टूडेंट रह ही नहीं जाता, उस दिन टीचर कहता है अब तू स्टूडेंट नहीं रहा, मैं टीचर भी नहीं रहा, अब तुझमें उसमें कोई अंतर नहीं रहा, जो मैं वही तू, अब तो दोस्ती का ही संबंध हो सकता है। पर उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को पाना होगा। ये कुछ मूलभूत सवाल हैं जो अपने आप से पूछने होंगे कि मेरी जिंदगी में मैं कितना हूं, मेरी जिंदगी में मैं कितना हूं। तुम्हें पड़ोस में कोई जरा सी आवाज करे, तुम्हारी गर्दन उसकी ओर मुड़ जाती है, क्या तुमने अपनी गर्दन अपनी समझ से मोड़ी? नहीं। जैसे इस चाय की कंडीशनिंग है कि इसको जरा सा धक्का दूंगा तो इस छोटे से प्याले में भी लहरें उठने लग जाएंगी, वैसे ही तुम्हारी भी कंडीशनिंग है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें जरा सा धक्का देता है और तुम्हारे मन में लहरें उठने लग जाती हैं। अभी तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें ज़रा सा छू भर दे, तुम तुरंत उसकी ओर देखोगे। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई छू दे और वो डिस्टर्ब ना हो जाए।
ठीक वैसे ही जैसे मैं इस प्याले को छू दूँ और प्याले के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि इसमें रिपल्स ना उठाएं, उठेंगी पक्का है। तुम उस दिन अपने मालिक हुए जिस दिन तुम्हें अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है अगल बगल, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है। मैं परेशानी के बीच में भी परेशान नहीं हूँ, मैं नॉइज़ के बीच में भी अशांत नहीं हूँ। तब समझना कि अब ये मेरा जीवन है।